हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जाएंगे काल भैरव मंदिर, शनी बनी आश्रम, और अभी वहाँ पर दो तीन और मंदिर है वो भी हम देखेंगे। तो अभी ऑटो में जाना पड़ेगा, यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर दूर है, तो ऑटो करेंगे, देखते हैं ऑटो में। ऐसे शेयरिंग में तो नहीं चलता यहाँ पर, मगर स्पेशल अपना करना पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ। दोस्तों, हमने यहाँ पर अभी ऑटो कर लिया है, उसमें 6 पॉइंट है, 6 मंदिर है। क्या हो गया, क्या भोपाल मंदिर, तो सभी जगह हम ऑटो लेके घूमेंगे। हेलो दोस्तों, हम अभी एक ऐसी पवित्र जगह पर पहुँच गए हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, शायद YouTube पे बहुत कम वीडियो हो गए, शायद आप सोच सकते हो। इस जगह आपको पहले बता दूं, दोस्तों ये है सांदीपनि आश्रम। आपको पता होगा कि सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, उनके साथ उनके बड़े भैया बलराम जी और उनके सखा सुदामा जी ने भी उनके साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम उस पवित्र जगह पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। और एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो भी शिक्षा ग्रहण की थी उससे प्रभावित होकर महर्षि सांदीपनि जी ने यहाँ उनको जगत गुरु का उपाधि दिया था। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए प्रभावित हो गए थे और उनको ये विश्व का पहला जगत गुरु श्री कृष्ण को उपाधि दिया था। तो हम उसी पवित्र जगह पर आज हम यहाँ पर आ गए हैं। आपको मैं दिखा दूँ, और यहाँ पर यज्ञ चालू है। ये जगह सांदीपनि महाराज की, महर्षि की तपस्थली है, यहाँ पर वो तप करते थे। दोस्तों, ये वही जगह है कि जहाँ पर सांदीपनि महर्षि तपस्या करते थे। और ये है गोमती कुंड, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड, ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया हुआ है गोमती कुंड। देख लो यहाँ पर, ये बहुत ही पवित्र और शांत जगह का अनुभव होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप जब भी कभी उज्जैन आओ तो इस जगह को ज़रूर आना, इस जगह को ज़रूर विज़िट करना और कुछ टाइम लेके आना और यहाँ पर कुछ टाइम बिताना। दोस्तों, आप देख सकते हो पीछे, वो यही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने 64 दिन में 16 कला और 64 विद्या प्राप्त की थी। वो ये वही जगह है, अंदर जाना मना है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी हम काल भैरव मंदिर उज्जैन में आए हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रसाद में शराब चढ़ती है, तो आपको मैं बताऊँ यहाँ पर शराब कैसे बिकती है प्रसाद के रूप में।
भैया प्रसाद प्रसाद का चढ़ती है। हाँ ठीक है, आप देख लो यहाँ पर भी प्रसाद के लिए बोतल मिलती है। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ऐसी सारी दुकानें हैं, तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। और हमने सुना है कि यहाँ पर शराब का बोतल या ग्लास मूर्ति के आगे रखेंगे तो मूर्ति पी लेती है। तो यदि अंदर शूटिंग करने का मौका मिला तो देखने को मौका मिला तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। एक बार यहाँ पर अंग्रेज ने यहाँ पर पूजा का काम किया था देखने के लिए कि शराब कहाँ जाती है। अगर कुछ भी नहीं मिला था फिर अंग्रेज भी यहाँ का भक्त हो गया था। तब ऐसी मान्यता है यहाँ पर, और ये सही है कि यहाँ पर शराब चला जाती है और शराब आगे जैसे आगे रखते हैं ग्लास तो वहाँ पर ग्लास ख़त्म हो जाता है। तो ये मान्यता है और यहाँ पर सबकी मान्यता भी पूरी होती है। तो आप भी कभी आओ तो इस मंदिर को भी विजिट करना। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा अंदर जाके, अगर बाहर का आपको दृश्य दिखा देता हूँ। जरा पूछ लेता हूँ। हाँ मैडम वीडियो ले सकता हूँ, मोबाइल से ले जाता हूँ। मंदिर के दर्शन कर लिए, अंदर अलाउड नहीं था, हमें रोक दिया था तो फिर अंदर का शूटिंग नहीं कर पाया। मगर यहाँ की मान्यता है कि प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती है, और मैंने देखा सभी लोग छोटी बड़ी बोतल लेके प्रसाद चढ़ा रहे।